अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुक विद लिमरा चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राई, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे चैनल पर इसी तरह रेगुलर बने रहें। रेसिपी पसंद आए तो ये मैंने ले लिया है, बढ़ते रेसिपी की तरफ। तो मैंने ले लिया ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, चार पाँच काली मिर्च है, दो लौंग है और हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती है। तो इसको जार में, मिक्सर के जार में डाल देना है और अदरक लहसुन का पेस्ट तो दो चम्मच मैंने ऐड किया है और इसे पीस लेना है। अब हम बढ़ते हैं चिकन की तरफ। मैंने चिकन को धो लिया है, अब इसमें हमें ऐड कर देना है वो हरी चटनी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये जब मिक्स हो जाए तो आप मैरिनेट करने के लिए इसे रख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप नहीं रखिए। मगर अगर आप दो घंटा रख देते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसमें मैंने एक चम्मच सिरका ऐड किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है गरम मसाला और फिर से अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने ऐड किया है टिक्का मसाला एक चम्मच, और अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो ऑप्शनल है, इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें अब एक अंडा तोड़ के डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अंडे की वजह से बहुत अच्छी टेस्ट भी आता है और हमारा मसाला जो है कढ़ाई में कभी कभी अलग होने लगता है तो वो नहीं होता। और अब इसमें ऐड कर देना है दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप चावल का आटा भी अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं हो तो आप बेसन ऐड कर सकते हैं। और फिर हमें डीप फ्राई करने के लिए तेल ले लेना है, गरम कर लेना है, उसमें ऐड कर देना है। ये सब बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, ये सब मेरे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं इसे। तो हमें इसे लो फ्लेम पे पहले 5 मिनट, हाई पे करना है और फिर बाकी 8-9 मिनट इसे लो पे करना है, क्योंकि मैरिनेट किया हुआ तो चिकन है नहीं इसलिए जल्दी नहीं गलता। मैरिनेट किया हुआ चिकन रहता है तो बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक रहा है लो फ्लेम पे। और हाई पे रखेंगे तो आपका चिकन जल भी जाएगा और अंदर से बहुत ड्राई हो जाएगा और जल्दी कुक नहीं होगा, तो इसलिए आप इसे लो फ्लेम पे कुक करिएगा। और ये देखिए हमारा चिकन एकदम रेडी हो गया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट दे दिया करिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये हमारी रेसिपी तैयार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।